नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच नंबर 29 को लेके, जो कि आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा मैच होगा और टाइम में थोड़ी सी कमी की वजह से मैं आपके लिए जो प्लेयर्स बैटल लेके आता हूं या फिर जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स लेके आता हूं, वो चीजें तो मैं आपके लिए नहीं लेके आ सका हूं। लेकिन मैं आपको है वो जो ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन है, उन सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं, किस प्लेयर को आप लोग कहां पर ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं और किसको आप लोग स्मॉल लीग में पिक कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आगे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और आप बहुत पीछे हैं, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल से है वो ज्वाइन हो जाइएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माई शोर 11 एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जो कि एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जहां पर आप केवल 2 बैट्समैन और 2 बॉलर्स के साथ भी फैंटेसी खेल सकते हैं। काफी यूनिक कंसेप्ट है, यहां पे आपको सेकंड इनिंग्स भी मिलती है, यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट इनिंग्स में लॉस में चल रहे हो देन आप लोग सेकंड इनिंग्स में अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए आप लोग myshore11.com पे जा सकते हो या फिर जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मैच को लेके। देखिए, ये जो मैच है ना, ये खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जी हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट को लेकर बात करें तो मैं यहां से आपको ये बता दूं कि देखिए, न्यूट्रल पिच आप लोग बोल सके, जी हाँ, न्यूट्रल पिच आप लोग बोल सकते हैं। बैट्समैन को भी सपोर्ट कर रही है और बॉलर्स को भी सपोर्ट कर रही है। अब तक यहां पे 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि अब तक है ना वो यहां पे 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। और इन 4 मैचेस में क्या हुआ है ना, इन 4 मैचेस में 2 मैचेस है ना वो तो शायद मुझे लगता है कि लो स्कोरिंग हुए। यहां से मैं दिखा देता हूं, देखिए अब ये जो 4 मैचेस खेले गए ना, यहां पे 2 मैचेस तो है वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं और 2 मैचेस है जो कि एवरेज रहे हैं, यानी कि 180 170 और 180 का टारगेट बना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दो यहां पे 2 है वो लो स्कोरिंग हुए, 2 हाई स्कोरिंग हुए, तो बहुत बैट्समैन एंड बॉलर्स के लिए इक्वल पिच है। यहां पे पंजाब की जो टीम है ना वो 2 मैचेस खेल चुकी है इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। एक मैच खेली थी, पहला मैच जहां पे लो स्कोरिंग मैच हुआ था, जहां पे पंजाब है वो 123 रन ही बना पाई। लेकिन जो लास्ट मैच हुआ आरसीबी के अगेंस्ट, वहां पे पंजाब ने 179 रन किए और उस मैच को विन भी किया। तो वही चीज बोल रहा हूं कि बहुत बैट्समैन एंड बॉलर्स के लिए इक्वल पिच है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्पिनर्स है ना उनको मदद मिल सकती है। बाद में देखिए, वैसे ड्यू वाली प्रॉब्लम रहती है यहां पे, लेकिन एक दो मैचेस में ज्यादा ड्यू देखने को मिली थी और एक दो मैचेस में थोड़ी सी कम ड्यू देखने को मिली थी, लेकिन वो कैप्टन के माइंड में रहेगा कि हाँ ड्यू आ सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग है वो। मुझे लगता है कि जो भी टीम, जो भी कैप्टन टॉस विन करेगा वो बॉलिंग करने का फैसला ही लेगा, जिससे कि टारगेट को चेस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे देखिए, 4 मैचेस में 2 बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने विन किया है और 2 बैटिंग सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने विन किया है। तो चारों तरफ से आप जब देखेंगे तो न्यूट्रल पिच है, बैट्समैन के लिए भी सपोर्टेड है और बॉलर्स के लिए भी सपोर्टेड है। तो ये चीज आप लोग है वो ध्यान में रखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ज्यादा बैट्समैन को लिया फिर ज्यादा बॉलर्स को, आप लोग इक्वल लेके चल सकते हैं, जैसे कि 4 बॉलर्स और 2 बैट्समैन, इस तरीके से भी आप लोग है वो जा सकते हैं। तो ये है पिच रिपोर्ट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो पिच है वो रिएक्ट करती है। अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट ड्रीम इलेवन पे लेके चलता हूं, जहां पे हम लोग प्लेयर वाइज डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए, आपको सबसे पहले विकेट कीपर का ऑप्शन मिलेगा। विकेट कीपर में केएल राहुल है, ऋषभ पंत है और निकोलस पूरन है।
अब आप इन चारों में से एज ए विकेट कीपर किसको ट्राई करेंगे? यहां से एक और है पी सिंह, जी हाँ सिमरन सिंह भी है जो कि ओपन करते हैं पंजाब की तरफ से। अब इन चारों में से आप लोग एज ए विकेट कीपर किसको ट्राई करेंगे ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं कि फाइनल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। अब देखिए जो मैं आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा। देखिए अब यहां से आप लोग स्मॉल लीग खेलते हैं तो दोनों आपकी टीम में है वो ऋषभ पंत और केएल राहुल होने चाहिए। जी हां, अगर आप लोग स्मॉल लीग खेल रहे हैं देन जो केएल राहुल है और जो ऋषभ पंत है वो दोनों आपकी टीम में होने चाहिए, ये मैं आपको स्मॉल लीग की बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर निकोलस पूर्ण का ऐसा है कि वैसे कुछ खास नहीं कर पाए हैं, बाकी देखिए मुझे लगता है कि शायद निकोलस पूरन की जगह है वो डेविड मलान को मौका मिल सकता है, तो डेविड मलान अगर खेलते हैं तो डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं, लेकिन अगर वापस निकोलस पूरन ही खेलते हैं तो आप लोग यहां पे स्मॉल लीग में क्या कर सकते हैं कि दीपक हुड्डा की जगह है वो निकोलस पूरन को एज ए रिस्की प्लेयर ले सकते हैं, जो लोग लेना चाहे जैसे कि कल अंबाती रायडू ने किया वही चीज निकोलस पूरन कर सकते हैं। समझ रहे हो हाँ, तो वही चीज बोल रहा हूं कि वो आप लोग कर सकते हैं। बाकी एक जब अगर पंजाब की टीम है ना वो पहले बैटिंग करे, अगर पंजाब की टीम पहले बैटिंग करे तो उस कंडीशन में आप लोग यहां से केएल राहुल को है वो छोड़ दे, एक ग्रैंड लीग की टीम नहीं, अगर आप लोग चार पांच ग्रैंड लीग की टीमें बनाते हैं तो एक टीम आप लोग ऐसी बनाइएगा जहां पर केएल राहुल को आप लोग है वो ग्रैंड लीग से बाहर रखेंगे, यहां से आप लोग निकोलस पूरन को ट्राई करेंगे और यहां से है वो जो पी सिंह है सिमरन सिंह है इनको भी आप लोग बाहर रखेंगे, यानी कि जो दोनों ओपनर्स हैं उनको एक टीम की मैं बात कर रहा हूं, एक टीम में दोनों ओपनर्स को बाहर रखेंगे। जिस टीम में आप लोग निकोलस पूरन को एज ए रिस्की प्लेयर ले रहे हैं ग्रैंड लीग में उस टीम में मुझे लगता है कि केएल राहुल या फिर सिमरन सिंह और जो वन डाउन बैटिंग करने को आ रहे हैं कौन आ रहे हैं क्रिस गेल उनको बाहर रखेंगे। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन तैयार करने पड़ेंगे तभी आप लोग है वो ग्रैंड लीग को विन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। यहां से स्मॉल लीग के लिए एक बार मैं इन दोनों के साथ जा रहा हूं। बैटिंग सेक्शन में देखिए धवन और क्रिस गेल स्मॉल लीग के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लोग यहां से ग्रैंड लीग खेलते हैं तो मुझे लगता है कि यहां से जैसा कि मैंने आपको बोला कि ग्रैंड लीग में आप यहां से क्रिस गेल को छोड़ के जा सकते हैं। धवन को मैं अगर पांच छह टीमें लगाते हैं तो वहां पे एक आधी टीम में धवन को छोड़ के चलिए, बाकी मैक्सिमम टीमों में धवन के साथ आप लोग जा सकते हैं, क्रिस गेल को आप लोग छोड़ के चल सकते हैं ग्रैंड लीग में। जी हां, ग्रैंड लीग में आप लोग छोड़ के चल सकते हैं। मयंक अग्रवाल अभी भी शायद मुझे लगता है कि इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, इंजरी है जिसकी वजह से शायद ये ना खेले। पृथ्वी शो है कंसिस्टेंटली, अभी इस आईपीएल में तो कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं, लास्ट आईपीएल में तो काफी है वो अनकंसिस्टेंट थे कि कभी रन कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, अभी रन कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग में छोड़ के जाना, ग्रैंड लीग में पृथ्वी शो को छोड़ के जाना, वो भी एक ग्रैंड लीग की टीम खेलो तब नहीं, तीन चार टीमें अगर आप लोग लगा रहे हो ग्रैंड लीग में देन उसमें आप लोग एक दो टीमों में पृथ्वी शो को छोड़ के चलेंगे, वहां पे केवल आप लोग है वो यहां से केवल शिखर धवन को लेके चलेंगे ओपनिंग में, जी ओपनिंग में आप लोग शिखर धवन को लेके चलेंगे। वन डाउन में फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से मैं स्मॉल लीग में क्या कर रहा हूं कि स्मॉल लीग में देखिए पृथ्वी शो के साथ जो सेफ जाना चाहे वो पृथ्वी शो के साथ जा सकते हैं, जो लोग रिस्क लेना चाहे वो पृथ्वी शो के ऊपर यहां से स्टेवन स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं, जो लोग रिस्क लेना चाहे वो पृथ्वी शो के ऊपर स्टेवन स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं, इससे आपके 0.5 क्रेडिट्स भी बचेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग क्रिस गेल शिखर धवन केएल राहुल ऋषभ पंत इन सब के साथ जाएंगे तो वही क्रेडिट का इश्यू बनेगा, तो वही चीज बोल रहा हूं कि अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं देन आप लोग पृथ्वी शो की जगह स्टेवन स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं। स्टेवन स्मिथ को है ना, स्टेवन स्मिथ को एक ग्रैंड लीग में है वो वाइस कैप्टन जरूर बनाना, जी हाँ स्टेवन स्मिथ को एक ग्रैंड लीग की टीम में वाइस कैप्टन जरूर बनाना। उसके अलावा सिमरन हेटमायर है, अब सिमरन हेटमायर का क्या रोल रहेगा स्मॉल लीग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सिमरन हेटमायर को ग्रैंड लीग में क्या रोल रहेगा, ग्रैंड लीग में देखिए शायद ये चार या पांच नंबर पे बैटिंग करने को आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सिमरन हेटमायर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोग सिमरन हेटमायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बीच से है वो दो तीन प्लेयर छोड़ के चलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग शुरुआत के प्लेयर्स को भी ले रहे हो फिर सिमरन हेटमायर को ले रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, सिमरन हेटमायर को बैटिंग करने का मौका तभी मिलेगा जब शुरुआत के जो बैट्समैन है वो जल्दी आउट होंगे। वही चीज मैं आपको बोल रहा था कि एक टीम आप लोग ऐसे बना सकते हो, एक दो टीम जहां पे पृथ्वी शो बाहर हो गए उसके बाद आप लोग है वो
स्टीवन स्मिथ सॉरी स्टीव स्मिथ को ले सकते हो, आप लोग शिखर धवन को बार कर सकते हो और ऋषभ पंत को, आप इन तीनों के साथ तीनों को बार कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आपने क्या किया कि पृथ्वी शो को बार कर दिया, स्टीव स्मिथ को बार कर दिया और ऋषभ पंत को बार कर दिया, केवल शिखर धवन को लेके चले हो, फिर शिखर धवन और सिमरन हेटमायर के साथ है वो लंबी पार्टनरशिप होगी। तो उस कंडीशन में एक ये कंडीशन बनती है जहां पे सिमरन हेटमायर है जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं और आप लोग वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। आपको ऐसी कंडीशन बनानी है जहां पे दिल्ली के जल्दी विकेट्स गिर रहे हैं, देन वहां पे सिमरन हेटमायर आपके वाइस कैप्टन बनते हैं, क्योंकि शुरुआत के प्लेयर्स लेके चलेंगे दिल्ली के, फिर सिमरन हेटमायर को लेने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर जीतोगे नहीं आप लोग, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। डेविड मलान खेलते हैं अगर निकोलस पूरन की जगह तो डायरेक्ट अपनी टीम में आ जाते हैं, फिर मैं शायद दीपक हुड्डा को ट्राई ना करूं। उसके अलावा यहां से शाहरुख खान है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं शाहरुख खान को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, शाहरुख खान को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, नीचे से कोई मुझे लगता है खेलेगा नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में क्या रहेगा, यहां से देखिए मार्कस स्टोइनिस का कुछ ऐसा रोल रहेगा कि अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोई प्लेइंग 11 में कोई चांसेस नहीं होते हैं, देन जो मार्कस स्टोइनिस और जो यहां से नीचे से कौन है, ये जो ललित यादव है ना, ये पांचवे और छठे बॉलर होंगे। लास्ट मैच में ललित यादव 3 ओवर्स डाल गए और जो मार्कस स्टोइनिस है उसने केवल एक ही ओवर डाला, लेकिन आई होप कि आज की टीम में देखिए सामने वाले टीम में कौन है, निकोलस पूरन होंगे और यहां से कौन होंगे, निकोलस पूरन होंगे, क्रिस गेल होंगे, तो वहां पे चांसेस है कि ललित यादव है वो गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि बाएं हाथ के सामने ललित यादव है वो गेंदबाजी कर सकते हैं। अदरवाइज यहां से अगर 2 ओवर्स मार्कस स्टोइनिस भी डालते हैं ना तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे और ललित यादव से ऊपर खेलने के लिए आ रहे हैं। तो यहां से मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, अब सामने वाली टीम में कौन है, केएल राहुल है, सिमरन सिंह है, उसके अलावा दीपक हुड्डा है, तो ये 3 लेफ्ट हैंडी है, क्या नाम है यहां पे, हेनरिक शायद खेल नहीं रहे, तो यहां से जो अक्षर पटेल है, अगर क्रिस गेल या फिर निकोलस पूरन ज्यादा खेल गए, अगर क्रिस गेल और निकोलस पूरन ज्यादा खेल गए, जैसे कि कल है वो क्या नाम था, कल कुणाल पांड्या को बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, तो उसी तरीके से अगर क्रिस गेल थोड़ा सा भी ज्यादा खेल गए ना तो अक्षर पटेल को बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलेगा। तो ग्रैंड लीग में आप लोग ऐसी टीम बना सकते हो जहां पे इसको एक को छोड़ के चल सकते हो। यहां से दीपक हुड्डा को ट्राई कर सकता हूं, अगर रिस्क लेना चाहो, अगर निकोलस पूरन खेलते हैं तो दीपक हुड्डा की जगह निकोलस पूरन को ट्राई कीजिए, और अगर डेविड मलान आते हैं तो डायरेक्ट डेविड मलान है वो हमारे टीम में हो जाते हैं। उसके अलावा नीचे से ललित यादव है, देखिए ललित यादव को ट्राई करना चाहिए, वैसे 42% लोगों ने ललित यादव को लिया है, इसका मेन रीजन है कि लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाली है, इसकी वजह से ललित यादव का सिलेक्शन इस मैच में बढ़ गया है, आप लोग लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में यहां से देखिए मुझे दोनों में से एक को ही लेना पड़ेगा, बिकॉज देखिए वही चीज रहेगी, क्रेडिट का इश्यू। तो अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करे देन मोहम्मद शमी, और अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बॉलिंग करे तो यहां से आप लोग रबाड़ा के साथ आप लोग जा सकते हो। यहां से ईशांत शर्मा आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, साथ ही साथ क्रिस जॉर्डन, जी हाँ क्रिस जॉर्डन, जो कि अगर बैटिंग का मौका मिला तो बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो क्योंकि अभी जो बरार है ना, हरप्रीत सिंह बरार, वो भी थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, तो क्रिस जॉर्डन को वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। आवेश खान यहां से आपके लिए सेफ रहेगा, लेकिन अगर दिल्ली की टीम बाद में बैटिंग करे तो आप लोग रिस्क भी ले सकते हो आवेश खान पे। यहां से क्या है कि नीचे से देखिए रैली मेरेडिथ है जो कि इंजरी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि रैली मेरेडिथ की जगह यहां पे है ना वो झाय रिचर्डसन को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। जी हां, झाय रिचर्डसन को एक बार फिर से मौका मिल सकता है, तो अगर झाय रिचर्डसन खेलते हैं तो झाय रिचर्डसन के साथ जाऊंगा, अदरवाइज क्रिस जॉर्डन को ले रहा हूं। उसके अलावा एक और प्लेयर, 8 क्रेडिट्स बचे हैं, तो 8 क्रेडिट्स में फिर हमें हरप्रीत जोरी बरार साहब है ना, इसको लेना पड़ेगा, अदर हमारे पास कोई ऑप्शन बचते नहीं है, अगर हमारे पास कोई ऑप्शंस बचते नहीं है तो इसी को लेना पड़ेगा एक बार के लिए। यहां से आप लोग है ना वो रवि बिश्नोई पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, रवि बिश्नोई मेरे पास अगर 0.5 क्रेडिट्स और होते तो मैं बरार की जगह रवि बिश्नोई को लेता, लेकिन क्रेडिट्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे एक बार के लिए बरार को लेना पड़ रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेकर बात करें
सेफ जाना चाहो तो सिंपल सी बात है, केएल राहुल जिनको 40% लोगों ने कैप्टन रखा है, जी हाँ सेफ जाना चाहो तो केएल राहुल कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी शिखर धवन, ये आपको मैक्सिमम लोगों में मैक्सिमम टीमों में कैप्टन और वाइस कैप्टन मिलेंगे, कौन शिखर धवन और केएल राहुल, तो सेफ जाना चाहो तो ये है। बाकी डिफरेंशियल थोड़ा सा करना चाहो तो यहां से क्रिस गेल को आप लोग वाइस कैप्टन या फिर शिखर धवन को कैप्टन और क्रिस गेल को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये आप लोग कर सकते हो। टीम का प्रीव्यू आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा रहेगा। अब अगर इस अगर कोई भी चेंजेस होते हैं जैसे कि डेविड मलान वगैरह कंडीशन वाइज एक दो चेंजेस जो भी होंगे वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।